कौन लाया मुझे? आपका एक्सीडेंट हुआ था, अब अल्लाह का शुक्र है कि आप बेहतर हैं। प्लीज ये जगह मुझ पे गुस्सा उतारने के लिए मुनासिब नहीं है, आप आराम करें। चले जाओ माया, वरना ये ना हो कि मैं बहुत बुरी तरह पेश हूँ तुमसे। मैं इस हाल में आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आपको जिस तरह से पेश आना है मैं इतराज नहीं करूंगी, लेकिन मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आई हो ना, तो इस जिंदगी से मौत अफजल थी जो मुझे सड़क पे आ जाती। मैं नहीं लेके आई आपको, इत्तेफाक से सामने आई हुई थी हॉस्पिटल, उसने मुझे बताया तो मैं फौरन चली आई। और तुम यहाँ चली आई ताकि फिर कोई नया इल्जाम, कोई बहतान मेरे सर पे थोप सको। आप मुझे अपनी अम्मी का नंबर दें, सारी रात हॉस्पिटल में रहे, मैं कॉल करके बता देती हूँ। पूरी रात गुजर गई, इसीलिए कह रही हूँ घर पे इन्फॉर्म करना, सब फिक्रमंद होंगे। कौन सा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है उसके बाद उस घर में हर कोई मुझसे नफरत करने लगा, लेकिन जितनी नफरत वो मुझसे करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे करता हूँ। वहां कोई आपसे नफरत नहीं करता, मैंने सबको सच सच बता दिया है। अच्छा, कैसा सच? ये कि मैंने झूठ बोला था, आपने कभी मुझे बुरी नजर से नहीं देखा, मैंने आप पे झूठा इल्जाम लगाया था। और मान लिया सबने? वो आपके मुंतजर होंगे। क्या क्या लड़की हो तुम, जब तुम्हारा दिल करता है इतना बड़ा बहतान लगा देती हो किसी पे। जब तुम्हारा दिल किया कहती आके वो सब झूठ था। वहां पे सब आप पे भरोसा करते हैं, कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा मोमेंट। ये दुनिया तुम्हारे कहने पे नहीं चलती है माया, और कुछ भी वैसा नहीं होगा, कुछ भी वैसा नहीं होगा।